नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए, पहला है अनुप्रयोग में पहला है किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित आवेशित तार पर आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा देखेंगे अनंत विस्तार समतल पृष्ठ एक समान आवेश के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करना। तो ये दो टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है गॉस का प्रमेय में पहला हमारा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि देखिए, ये कोई अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, इस पे एक समान आवेश हम दे देते हैं, एक समान आवेशित तार। इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है। तो बिंदु P है, तो अगर हम इसके दोनों, मान लेते हैं दोनों पृष्ठ को बना लेते हैं, जैसे कि एक गॉसियन पृष्ठ के आकार का बना लेते हैं, जैसे ये, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ बना के ज्ञात करेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पे ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आर बिंदु पे है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जैसे ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, और ये हमारा S3 है, ठीक है, तीन पार्ट बन गए हैं। तीनों पार्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी, ठीक है। तो चलते हैं, लिखेंगे माना अनंत लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है, ये L, इसकी लंबाई कितनी है L, अनंत लंबाई के एक समान, ठीक है, अनंत लंबाई के, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई के तार है जिसपे एक समान वैद्युत क्षेत्र आवेश है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित तार की लंबाई L है, ठीक है, तार की लंबाई कितनी है L, और ये देख रहे हैं बेलनाकार ले लिया है, तो L है, और जिससे जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है जिस पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब ये जो पृष्ठ बनना है इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, एक शब्द का यूज करेंगे गॉसियन पृष्ठ। अतः यह बेलन का बेलनाकार
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है जो तीन भागों में विभाजित है। S1 और S2 दोनों पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता शून्य होगी। हम लिख के बता दे रहे हैं शून्य होगी, क्योंकि ये दोनों S1 और S2 जो एक दूसरे के समांतर, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर, तो इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, यहां तक नोट कर सकते हैं। अब ये जो छोटा सा बिंदु है, ठीक है, शून्य तो होगी। यहां पे आपने देखा कि ये जो पृष्ठ ये एक दूसरे के समांतर है, समांतर होने का इनकी तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये जो किसी एकांक लंबाई पर आवेशित आवेश को रेखी आवेश, रेखी आवेश घनत्व कहते हैं, या तो रेखी घनत्व कहते हैं, सिंपल सा लिख लीजिए रेखी घनत्व कहते हैं किसी एकांक लंबाई पर आवेश को रेखी घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः लैम्डा बराबर हो जाए क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुणा होगा तो क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा, यहां से देखेंगे त्रिज्या का गुणा हो जाएगा ये आपका इससे, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एल, समीकरण ये मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए जैसा कि हमने ये प्रश्न बनाया एकांक लंबाई का अनंत, मतलब क्या लिया हम एक अनंत लंबाई की तारी जिसमें समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। ठीक है, इससे r दूरी कोई बिंदु P है और किसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो इसका हम एक गॉसियन पृष्ठ आकार बना लेते हैं जो एक बेलनाकार रूप लेता है, ये तीन भागों में विभाजित होता है S1 S2 S3। ठीक है, S1 S2 दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर होने कारण इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, मतलब कि जो एक दूसरे के समांतर होने कारण इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। अतः किसी एकांक लंबाई पे आवेश को रेखी घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा पर देते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर एल। तो S3 पर, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सिंपल सा। ठीक है, S3 पर वैद्युत फ्लक्स S3 के इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको क्या हो जाएगा फाई बराबर आपने देखा है EdS। तो S3 के संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल निगमन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई, मतलब कि इसको समाकलन, देखिए हमेशा क्या करें जब भी अगर संपूर्ण है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, तो सिग्मा लगेंगे ई डी एस। ठीक है, तो ई डी एस मतलब वही क्षेत्रफल जितना होगा, तो यहाँ पे ई बाहर हो जाएगा और डी एस, तो इसका क्षेत्रफल होता है बेलन का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए बेलन, या तो लिख सकते हैं फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की
छेद की तीव्रता गुणे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrl, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो E इंटू 2πrl फाइव आ रहा हो। ठीक है, तो समीकरण एक समीकरण दो मान लेते हैं, ये आपका समीकरण दो हो गया। देखिए फाइव बराबर, तो समीकरण एक समीकरण दो आप नोट कर लीजिए यहां तक, अगर कोई दिक्कत हो तो एकदम सिंपल सा नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको, ये समीकरण एक आपका है, ये ध्यान में रखिएगा, समीकरण एक, समीकरण एक हम यहां पे नोट कर देते हैं, आपका क्यू बराबर लैम्डा एल। ठीक है, समीकरण एक का जो अभी हमने निकाला, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहां से, बस सिंपल सा है, खत्म हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो गॉस के प्रमेय से बहुत ही कठिन मांगते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, आप सिंपल सा आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी अगर है। तो क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से आपने देखा, गॉस के प्रमेय क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, तो क्यू समीकरण एक इसको मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, गॉस के प्रमेय, ठीक, समीकरण एक और समीकरण दो का मान गॉस के प्रमेय में रखने पर, तो रख देते हैं, ये फाइव बराबर आया है ई इंटू टू पाई आर इंटू एल, और क्यू बराबर क्या निकाले हमने, एल लैम्डा एप्सिलॉन जीरो। तो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, इस पे ये त्रिक गुणा हो जाएगा, ये त्रिक गुणा नीचे आएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई एल एल से क्या जाएगा, कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे क्यू पाई आर एप्सिलॉन जीरो। ठीक, ये यहीं तक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ले लेता है कि आर दूरी के कारण, आप यहां पे नोट दें, आर दूरी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता, देखिए कभी कभी तो यहीं तक दे देता है, उसके आगे आपको बढ़ना नहीं है। अगर अगर इसके आगे कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे, तो यहां पे आप टू से गुणा कर देंगे, टू लैम्डा हो जाएगा और टू क्यू पाई आर एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सॉरी क्यू नहीं है, टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही तक हम नोट करें, दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं दूसरे के बारे में। देखिए बहुत ही सिंपल था, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, एक दो बार आप वीडियो का रिवीजन करेंगे ना, तो आसानी से इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। देखिए इससे जो नेक्स्ट वाला वो और भी सिंपल है, इसके कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, अनंत विस्तार, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, अनंत विस्तार समतल पृष्ठ पर एक समान आवेशित, पृष्ठ पर एक समान आवेशित के समीप या निकट किसी के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये है, अब देखिए ये जो आया है ये क्षेत्रफल से है, तो सबसे पहले हमने एक पृष्ठ बनाया,
एक आयताकार पृष्ठ ABCD, इसमें समान रूप से आवेश वितरण, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, देख रहे हैं, सेम आपको ऐसे ही फिगर बनाना है। फिर यहीं से हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, जो यहां से आपका निकलेगा ये, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल dA है, ठीक है, वायु क्षेत्र की तीव्रता E इस साइड और वायु क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु कोई P है, यहीं पे P है, मान लेते हैं R दूरी पर, ठीक है, P है इसी वायु क्षेत्र की, ये भी dA है, ठीक है, इसी वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये बहुत ही सिंपल पृष्ठ है, ऐसा ही फिगर है, ये आपको इसको ही हमको क्या ज्ञात करना है, इस पे वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, कोई निकट बिंदु, मतलब मान लेते हैं निकट बिंदु आपका P है, ठीक है, ये निकट बिंदु R दूरी पे बिंदु, तो इस पे हमको क्या ज्ञात करना है, वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। माना ABCD का एक समतल एक समान आवेशी, एक समान आवेशी जिसमें समान रूप से आवेश वितरण, एक समान आवेशी प्लेट है, ठीक है, जिस पर बिंदु पी, इसको एक बेलनाकार हमने बना दी, जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, इसके वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके आप ज्ञात करनी है, तो देखिए अगर किसी अतः किसी एक समान किसी एकांक क्षेत्रफल पर, ये जो है क्षेत्रफल पर आवेश को, एक किसी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है, इसे हम सिग्मा से देख रहे हैं, आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, जैसा कि आपने दिखा एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं तो ये गुणा हो जाएगा, तो क्यू बराबर ए सिग्मा आएगा, ठीक, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ये नोट कर लीजिए समीकरण, ठीक है, अतः समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आप जानते हैं फाई बराबर ई डी ए, ठीक है, ई डी ए लेंगे, एस नहीं लेंगे, डी ए, तो ये सिंपल सा है, तो समीकरण एक आपने माना है, तो यहां से हम आगे चलते हैं, ई डी हो जाएगा, आप देख रहे हैं, ई डी ए हो जाएगा, अतः समतल पृष्ठ के दोनों वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ई डी ए प्लस ई डी ए, तो दोनों तरफ वैद्युत फ्लक्स वही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ई डी ए, समीकरण नंबर 2, ठीक है,
गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक, समीकरण एक समीकरण, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं ये, इसको हम रह देते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। समीकरण एक और समीकरण दो का मान गॉस के, देखिए गॉसियन पृष्ठ बनता है, ये जो पृष्ठ बनता है ये गॉसियन पृष्ठ, एक शब्द का यूज कर सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, कभी भी गॉसियन पृष्ठ समझ में आए तो ये गॉसियन पृष्ठ ही है। ठीक है, आपको ये इसको जो बना है ये गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी प्रचलित होते हैं। गॉस के प्रमेय में रखने पर, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है टू ई डी ए, ठीक है, डी ए आप लिख सकते हैं, डी ए को या तो ए ही रह ले सकते हैं, अगर आप रहना चाहते हैं ए रख सकते हैं, नहीं डी ए कोई दिक्कत नहीं, आप ए रख लीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, और क्यू बराबर क्या है, ए सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ई बराबर होगा ए सिग्मा टू ए एप्सिलॉन जीरो, तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो, तो यही होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसके ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगर इस तरीके से फिगर आता तो इसे देखिए, इस पृष्ठ को जो कहते हैं गॉसियन, पृष्ठ की वैद्युत लक्ष कर सकते हैं गॉसियन पृष्ठ के, यहां पे आप लिख सकते हैं समतल गॉसियन, समतल पृष्ठ के वैद्युत लक्ष, तो आप आसानी से निगमन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, जिसको आपको उपयोग है क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बेसिक जानकारी रहेगी और भी जितने भी इसमें देखते हैं अनुप्रयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।